मेयर पद पर हमको अवश्य वो लोग चुनेंगे। और माता बहन से भी आग्रह और निवेदन करता हूँ कि सब लोग मिल करके जो गंदा है इस क्षेत्र के अंदर में, नगर पालिका के अंदर में, उसको हम सफाया करने का काम करेंगे। जो आवास योजना है जो गरीबी रेखा में है, उससे व्यक्ति को चिन्हित करके हम वार्ड के अंदर में ज्यादा करके हम सबके खाता में पैसा डालने का काम करेंगे। ये फंड हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फंड है, इसको ये लोग दुरुपयोग करता है। ये जो है सब चोलिया लोग उससे कमीशन खाया है, ये गरीब कहाँ से देगा जो खाने के लिए मर रहा है, जिनके पास अनाज के लिए पैसा नहीं है। ऐसे आदमी को कहता है 30,000-40,000 रुपया चाहिए, एक किस्त मिला है, दूसरा किस्त नहीं मिला, उसका घर बहुत सारे ऐसे आदमी है जिसका घर का आवास नहीं बना। मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत जी का समाज में पूर्व में क्या योगदान रहा है? हमारा समाज में तो हम 40 वर्षों से समाज में काम में लग रहे हैं, हर सांसद विधायक के साथ हमने काम करने का मौका मिला। और पूर्व में हम भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय हुकुम देव जी का हम प्रतिनिधि रहे हैं शहरी क्षेत्र में। अब ये डॉक्टर अशोक यादव जी के फंड से कई स्थानों पर रोड दिए हैं, पोखरा का घाट दिए हैं, नाला दिए हैं, हम पानी की समस्या इस बार घोर देखे हैं। तो घोर समस्या उसके लिए बोरिंग कराएंगे क्षेत्र में, उसमें नल जल की योजना जो लगा हुआ है, तो बोरिंग के माध्यम से पानी लगाने का काम करेंगे। 10-15 बोरिंग अगर लगा देंगे, ये पानी की जो समस्या आया है वो समस्या नहीं का निदान हो जाएगा। इस तरह से बोरिंग लगाना बहुत जरूरी है। चापा करके मरम्मत करते हैं, उसमें लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बेकार है। 4500 वार्ड के जनता पे कितना विश्वास है कि इस बार विष्णु राउत को मेयर पद के लिए चुनेंगे? अरे हमको इस क्षेत्र के जनता पर पूरा पूरी उम्मीद है, वो हमको ही चुनेंगे। क्योंकि हमारे चरित्र पर एक दाग नहीं लगा हुआ है, एक पान का हम खिली तक पान नहीं खाए हुए किसी भी ठेकेदार से। कोई भी ठेकेदार नहीं कह सकता है मधुबनी क्षेत्र के अंदर में विष्णु राउत ने हमसे कमीशन लिया, 40 रुपया खाया है, हमने कई योजना दिए हैं। कल तक हम इससे पहले 10 दिन पहले तक हम योजना दिए हैं पोखर के घाट में, लेकिन हम आज ये कह रहे हैं कि हम क्यों उसमें हम हमारे नाम पर लोग काफ़ी खुश है। हमारे व्यापार संघ के जितना भी है व्यवसायी सब है, शहर के जितना वैश्य समाज है, जो भी है मुस्लिम समाज के भी दोस्त हमारे हारून है, बहुत हारून देखिए ये मुन्ना है, ये हमारे साथी है, तो कितना मुस्लिम समाज भी यहाँ आए हुए हैं। हम इन लोगों को कहें कि ये लोग अपने खुद आए हैं और बोले हैं कि हम लोग आप ही को समर्थन देंगे, लोग हमारे साथ हैं, हम हर जाति को लेकर चल रहे हैं। किसी का भी बेटा बेटी का ब्याह होता है, हमारा होटल है अगर, तो उनको 5,000 रुपया ही होता है, तो हम 5,000 में इनको देने का काम किए हैं निकाह कराने में। बहुत सारे जगह पंचायत भवन बनाए हैं, रोड बनवाए हैं, नाला भी बनवाए हैं अपने तरफ से, हाँ तहसील कराया है, बहुत सारे काम किया है, तो इसलिए हम लोग जो इनको समर्थन दे रहा है। हमारा नाम चंद्र दर्शन झा है, वार्ड नंबर 2। आप मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जो आदमी पूरा जीवन अपना जो है सो समाज सेवा में न्योछावर कर दिया, 35 साल से उन्होंने आज राजनीति में काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, एक नहीं हजारों जब गिनती करने लगेंगे पूरा दिन रात कम पड़ जाएगा। समस्त जनता को आज तक इन्होंने हर जगह पर जो इनसे हुआ वो पूरा इन्होंने समाज सेवा का काम किया है। और उतना ही नहीं, हर जगह पर चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी विभाग हो, जहां पर इनसे जितना हो सके उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है जो गरीब जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। ये गरीबों का मसीहा है, हमारे गाँव में गरीबों का बसाया है, ये पोखरा खरीदे हैं और भीड़ पर जितना राम सब का घर है अपने ज़मीन में ही बसाए हुए हैं, अपने जमीन में ही बसाए हुए हैं। है कि जितना वादा कर रहे हैं मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत जी, जितने के बाद पूरा करेंगे? पूरा करेंगे ही, गरीबों का मसीहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद लगा रहे हैं विष्णु जी से आप? इस बार बहुत अच्छा उम्मीद है इनका, ये बहुत शुरू से ही समाज सेवी है, करीबन 40 वर्ष से जनता के बीच में जा रहे हैं विष्णु राउत जी। क्या कितना प्यार उन लोगों को? बहुत 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 प्यार है, बहुत प्यार, बहुत प्यार। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है। मेरा नाम रूपेश कुमार, वार्ड नंबर 13 से एक आम मतदाता है, और मधुबनी नगर निगम के पूरे जनता के तरफ से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 70 सालों में मधुबनी नगर पालिका जो कि अब नगर निगम बन गया है, उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, इतना ज़्यादा जो एक राज्य के बजट के बराबर है, और कुछ नहीं कहना है, बस इसी के तरफ हमको पूरे जनता का ध्यान आकर्षित करना है। ये हमारे बहुत अच्छे इंसानियत है और इंसानियत के नाते हम मदद कर रहे हैं, आज से नहीं 1.5-2 साल से इन्हीं के साथ है, और मेरे पूरा परिवार, पूरा मेरा जितना समाज में अंदर है, हम अंदर से हर चीज़ से इनका जो सभी कर रहे हैं समर्थन करते रहेंगे और जिंदगी भर करते रहेंगे।